असलम एवरी वन आई होप देवरी वन इज डूइंग ग्रेट सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम नाउन्स विच आर ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म्स जैसे कि आप लोगों को टॉपिक देखे तो समझ में आ ही गया होगा कि वट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे द टॉपिक इज सिंगलर्स और प्लूरल्स लेकिन आप आप में से बहुत सारे लोग सिंगुलर और प्लूरल से फेमिलियर होंगे सो व्हाट आर बेसिकली सिंगलर्स एंड व्हाट आर बेसिकली प्लूरल सिंगलर्स यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी एक होती है यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड कोई भी ऐसा नाउन जो एक क्वांटिटी में हो या एक हो तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर इफ़ द चेयर इज़ ओनली वन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन चेयर तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे लेकिन बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टू थ्री फोर फाइव और सो मैनी चेयर्स देन इट विल बी प्लूरल तो सिंगुलर मीन्स के एक चीज़ एंड प्लूरल मीन्स के एक से ज़्यादा चीज़ें यानी कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दैट विल बी प्लूरल जैसे लैम्प इज़ अ अंगुलर और अगर बहुत सारे लैम्प्स होंगे तो दैट विल बी प्लूरल इसी तरह टेबल अगर एक टेबल है तो डैट विल भी सिंगुलर और अगर एक से ज़्यादा टेबल्स हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेबल्स हैं तो डैट विल भी प्लूरल इसी तरह हाउस अगर एक हाउस के बारे में बात की जा रही है तो दैट विल भी सिंगुलर और अगर बहुत सारे हाउसेस के बारे में बात की जा रही है तो डैट विल भी हाउसेज़ विल भी प्लूरल ठीक है तो दिए तो आपका हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल बट द टुडेज टॉपिक इज़ अ लिटल कन्फ्यूजिंग क्योंकि आज हम ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउंस के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं देर आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इट्स रिटन सीजर्स सीजर्स मीन्स कैंची यानी कि सीजर्स को हम कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते सिंगुलर्स हमेश, हमेशा सीजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है इसी तरह ग्लासेज ग्लासेस मतलब चश्मे देन पैंट्स क्लोथ्स शॉर्ट्स इसी तरह और भी बहुत सारे हैं जैसे हेडफोन्स ईयरफोन्स पजामाज सो दीज आर ऑल रिटर्न इन द प्लूरल फॉर्म अगर आप लोग यहाँ पे देखें क्लोथ्स तो क्लोथ्स में अगर uh, क्लोथ्स जो हम कपड़े पहनते हैं दर इज़ क्लोथ्स उसके आगे ई एस लगता है लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सी एल ओ टी एच सिम्पल क्लोथ क्यों नहीं इसको बोलते तो जो सी एल ओ टी एच वाला होता है वो एक सिंपल कपड़ा होता है प्लेन कपड़ा लेकिन जो हम कपड़े पहनते हैं उसको उसको क्लोथ्स कहा जाता है सो so, इसी तरह शॉर्ट्स देखें शॉर्ट्स अब हम अगर ये कहें कि अगर सिज़र्स ग्लासेस पैंट्स इनके साथ हम सिंगलर क्यों नहीं यूज़ कर सकते इनके साथ हमेशा प्लूरल ही क्यों यूज़ किया जाता है क्योंकि सीजर्स में अगर आप देखें तो दो तो ब्लेड्स होते हैं अगर आप ग्लासेस के देखें तो उनकी भी दो साइड्स होती हैं ग्लासेस की अगर पैंट्स को देखें तो पैंट्स की भी दो साइड्स होती हैं इसी तरह शॉर्ट्स शॉर्ट्स की भी दो साइड्स होती हैं अगर पजामाज हैं तो पजामाज तो की भी दो साइड्स होंगी अगर हेडफोन्स हैं तो हेडफोन्स की भी दो हेडफोन्स होते हैं जो हम दोनों ईयर्स में डालते हैं सो तो इसी तरह यानी कि इनको हम प्लूरल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी दो साइड्स होती हैं तो अगर अब हमने ये बताना है कि ऐसे वर्ड्स को जैसे सीजर्स ग्लासेस पैंट्स क्लोथ्स ऐसे वर्ड्स को हम कैसे बताएं इफ़ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस तो हम कैसे बताएं कि इनको हम कैसे लिखेंगे सिंगुलर या प्लूल फॉर्म में आ सीज़र्स लिखेंगे या आ ग्लासेस लिखेंगे या आ पैंट्स लिखेंगे सो इट्स का सिंपल आंसर ये है कि वैन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग यानी कि अगर हम एक सीजर के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम आ पेयर ऑफ लगाएंगे अगर हम एक ग्लासेस के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम अ पेयर ऑफ लगाएंगे लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा सीजर्स या एक से ज़्यादा ग्लासेस या एक से ज़्यादा शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो फिर हम पेयर ऑफ लगाएंगे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स तो फिर हम क्या कहेंगे कि वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स इसी तरह अगर हमारे पास टू पेयर्स ऑफ ग्लासेज हैं या हमने दो ग्लासेस ख़रीदनी है तो हम क्या कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बाई टू पेयर्स ऑफ ग्लासेज आई कैन नॉट से आई हैव टू ग्लासेज दैट बी रॉन्ग दैट विल बी इनकोक्ट अगर मेरे पास दो ग्लासेज हैं या मेरे पास दो मैंने ग्लासेस खरीदनी है तो उसको मैं कैसे बोलूँगी कि आई वॉन्ट टू बाई टू पेयर ऑफ ग्लासेस सो लेट्स लुक एट दी एग्जाम्पल्स अब आप यहाँ पे देखें आई है न्यू पैंट्स यानी कि मेरे फ्रेंड ने नई पैंट्स खरीदी सो दिस इज टोटली इनकोक्ट क्योंकि पैंट्स हैं तो हम उसके साथ आ पेयर ऑफ हम लगाएंगे अगर ए खरीदी है तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं माई फ्रेंड बॉट अ न्यू पेयर ऑफ़ पैंट्स माई फ्रेंड बॉड अ न्यू पेयर ऑफ़ पैंट्स इसी तरह सेकेंड देखें कैन यू गिव मी अ सीजर्स दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट सो इसका सही आंसर क्या होगा क्योंकि एक सीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे कैन यू गिव मी अ पेयर ऑफ़ सीजर्स अगर यहाँ पर दो तीन सीजर्स के बारे में बात हो तो फिर हम कहते हैं टू पेयर्स ऑफ सीजर्स और थ्री पेयर्स ऑफ सीजर्स और फोर पेयर्स ऑफ सीजर्स सो कैन यू गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स दैट इज़ द करेक्ट आंसर अब थर्ड एग्जाम्पल देखें माई फादर हैज़ फोर ग्लासेज अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मेरे फादर के पास फोर ग्लासेज हैं यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके पास फोर पेयर्स ऑफ ग्लासेज हैं सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं माई फादर हैज़ फोर पेयर्स ऑफ ग्लासेस माई फादर हैज़ फोर पेयर ऑफ़ ग्लासेस तो अब ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनको हम अ सेंटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं या तो हम अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं अगर एक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो अ पेयर ऑफ़ अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी तो फिर पेयर्स ऑफ़ न लेट्स लुक एट समी अदर एग्जाम्पल्स गॉगल्स ट्राउजर्स क्लोथ्स हेडफोन्स ईयरफोन्स जीन्स सिजर्स शॉर्ट्स सो so, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं यानी कि इनके आ, इनके साथ हम एस नहीं हटा सकते जैसे ट्राउज़र्स की भी दो साइड्स होती हैं हेडफोन्स की भी दो साइड्स होती हैं एयरफोन्स की भी दो साइड्स होती हैं तो इसीलिए हम इनको इन अ प्लूरल फॉर्म हमेशा लिखते हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हमने इनको एज सिंगलर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे बताएंगे अ पेयर ऑफ लेकिन अगर हमने दो से दो से ज़्यादा ट्राउज़र्स या दो से दो तीन से ज़्यादा शॉर्ट्स या सीजर्स के बारे में बात हो रही होगी तो फिर हम उनको कैसे यूज़ करेंगे पेयर्स ऑफ सो नाउ हेयर आई हैव ब्रॉड सम ऑफ़ दी एग्जांपल्स जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनके साथ हम आर यूज़ करते हैं या इज़ यूज़ करते हैं या फिर अ पेयर ऑफ़ यूज़ किया जाता है या पेयर्स ऑफ यूज़ किया जाता है सो नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल माई कज़न विल बाय डैश ऑफ हेडफोन्स माई कज़न विल बाय अ पेयर ऑफ़ हेडफोन्स क्योंकि यहाँ पे एक हेडफोन्स की बात की जा रही है तो हम क्या कहेंगे अ पेयर ऑफ नंबर सेकेंड इज़ योर सन डैश नाइस अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे आर और इज क्योंकि ये एक सन ग्लासेज के बारे में बात हो रही है लेकिन क्योंकि ये हमेशा सन ग्लासेज मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि सन ग्लासेज हमें प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता सन ग्लासेज हमेशा यानी कि हम ये प्लूरल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं सो so हम इनके साथ आर यूज़ करेंगे योर सन ग्लासेज आर नाइस विच ड्रॉ डैश जीन्स गो इन अब इस एग्ज़ाम दी ब्लैंक्स में हमने या तो डू लगाना है या फिर डस सो डू क्या आएगा डू और डस डज यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि डज हम हमेशा लगाते हैं सिंगुलर चीज़ों के साथ यानी कि जो भी सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर चीज़ होती है उनके साथ हम डज यूज़ करते हैं सो so, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल चीज़ के बारे में बात हो रही है जीन्स के बारे में बात हो रही है सो जीन्स इज़ अ प्लूरल फॉर्म सो इसीलिए हम यहाँ पे डू लगाएंगे डू हमेशा यूज़ किया जाता है विद द प्लूरल नाउन्स और विद द प्लूरल वर्ड्स सो विच ड्रॉ डू जीन्स गो इन ना नंबर फोर माई लिटिल सिस्टर वॉन्ट टू बाय थ्री डैश ट्राउजर्स सो यहाँ पे तीन ट्राउजर्स की बात हो रही है सो so, तीन ट्राउजर्स मतलब हम यहाँ पे अ पेयर ऑफ़ यूज़ करेंगे या फिर पेयर्स ऑफ़ पेयर्स ऑफ़ माई लिटल सिस्टर वॉन्ट टू बाय थ्री पेयर्स ऑफ़ ट्राउजर्स नाउ लास्ट एग्जाम्पल देखें योर सीजर्स डैश ऑफ येलो कलर योर सिजर्स आर ऑफ़ येलो कलर यहाँ पे हम इस यूज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे सीजरस भी इना प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जा रहा है सो इन दी एंड हमने क्या सीखा कि ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हेडफोन्स जीन्स ट्राउजर्स शॉर्ट्स ऐसे वर्ड्स को के साथ हम अ पेयर ऑफ या फिर पेयर्स ऑफ यूज़ करते हैं डिफ्रेंशियट करने के लिए कि ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है या प्लूरल के बारे में बात हो रही है और इनके साथ हमेशा आर यूज़ किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल चीज़ों के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं दिस वॉज हो टूडे आई होप दैट यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक Do give my video a big thumbs up and subscribe to my channel.